एक नया लेसन लेके आया हूँ। लेसन आपकी हॉर्नबिल बुक से है, क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए। और द टाइटल ऑफ द लेसन इज द ब्राउनिंग वर्जन, रिटन बाय टेरेंस रैटिगन। टेरेंस रैटिगन इज द राइटर, ये लेखक हैं। और ये वीडियो 1 है ऑफ 3, 3 वीडियोस में से ये पहली वीडियो है। और लेसन का नाम मैंने बता ही दिया, द ब्राउनिंग वर्जन। लेट्स गो फॉर ऑथर्स इंट्रोडक्शन। ऑथर का नाम आपको मैंने बताया कि टेरेंस रैटिगन, और इनका जन्म 10 जून 1911 को हुआ था और इनका देहांत 30 नवंबर 1977 को। और ये इनका जन्म लंदन में हुआ था और ये हैमिल्टन बरमुडा में इनकी डेथ हुई थी। तो ये थी इंट्रोडक्शन राइटर की, आप देख सकते हैं तस्वीर इनकी। और अब वन एक्ट प्ले के बारे में, ये वन एक्ट प्ले के रूप में है और फुल फ्लेश्ड प्ले नहीं है, ये उसका एक हिस्सा है जिसे हम एक्सर्प्ट बोलते हैं। एक्सर्प्ट इज ए पीस टेकन फ्रॉम लॉन्गर टेक्स्ट, चाहे वो प्रोज की हो, चाहे वो पोएट्री की हो, चाहे ड्रामा की हो, उसका एक जो हिस्सा होता है छोटा, उसे हम एक्सर्प्ट बोलते हैं पीस। और इट हैज़ बीन कॉल्ड द ब्राउनिंग वर्सन एज दिस पीस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रॉबर्ट ब्राउनिंग्स ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रीक ट्रेजडी एग्मेमनन। एक ग्रीक ट्रेजडी है, तो उस प्ले में से ये एक हिस्सा है द ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसको अपने तरीके से लिखा है, तो इसलिए इसका नाम ब्राउनिंग वर्सन पड़ा, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग एक पोइट हुए हैं। ये हुए हैं 19th century पोइट हैं, 19वीं शताब्दी के पोइट हैं, और विक्टोरियन एज, क्वीन विक्टोरिया के टाइम में जो पोइट हुए हैं उन्हें विक्टोरियन पोइट्स कहा जाता है। तो ये एक ऐसे पोइट हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो एक और एक आशावादी ऑप्टिमिस्टिक पोइट रहे हैं अपने ज़माने में। जबकि मैक्सिमम जितने भी ऑथर थे या पोइट्स थे उस टाइम के, ड्रामाटिस्ट तो कोई ये मोनोलॉग लिखते थे, उस टाइम नहीं था, पहले डिक्लाइन हो चुका है ड्रामा का। शेक्सपियर के बाद बेन जॉनसन आए और फिर नावल चल गए, पोइट्री साथ साथ चल रही थी। तो ये चीज़ें रॉबर्ट ब्राउनिंग, इसलिए ब्राउनिंग वर्सन कहा क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग एक मशहूर पोइट हुए हैं। और इनकी पंक्तियाँ, क्योंकि ब्राउनिंग का नाम चला है तो मैं बता देता हूँ आपको, बड़ी फेमस पंक्तियाँ जो आशावादिता को शो करती हैं, वो ऑल इज वेल वाली जो लाइन चलती है इनकी लाइन में से, गॉड इज इन हिज हेवन एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड, इस तरह की पंक्तियाँ हों। तो ये पीस टेकन फ्रॉम लॉन्गर ड्रामा वन एक्ट प्ले रिटन बाय ब्राउनिंग वर्सन, एंड दैट वाज द ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी एग्मेमनॉन। द सेटिंग ऑफ दिस वन एक्ट प्ले इज इन ए स्कूल। और अगर हम सेटिंग की बात देखते हैं कि ये घटना होती कहाँ है, एक स्कूल में घटित होती है। और टैपलो A boy of 16 is waiting for his teacher. ये वन एक्ट प्ले के बारे में बता रहे हैं, एक आपको ग्लिप्स उसकी दे रहे हैं, झलक दे रहे हैं। टैपलो 16 वर्ष का लड़का है, वो अपने अध्यापक की इंतजार में है। ही इज वेटिंग फॉर हिज टीचर एंड हिज नेम इज टीचर्स नेम इज क्रॉकर हैरिस, राइट। तो अपने अध्यापक की इंतजार में उसके रूम में, रेजिडेंस पे है कहीं, एक कमरे में बैठे हुआ है। तो ही इज वेट इन द वेट ऑफ हिज टीचर। तो बट द लेटर यहाँ किसके लिए आया, उसके लिए, क्रॉकर हैरिस के लिए। जब दो सब्जेक्ट होते हैं, दोनों थर्ड पर्सन में होते हैं, और ही कहना दोनों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये कौन सा है, क्रॉकर हैरिस है या टैपलो। तो
ग्रामर ये कहती है कि आप वहाँ पे द लेटर और द फॉर्मर यूज कर सकते हो। अगर आप द फॉर्मर लिखते हैं तो टेबलो के लिए आएगा, अगर आप द लेटर लिखते हैं तो ये लेटर नहीं है, दिस लेटर LETER, तो ये इसके लिए आएगा, राइट। तो लेटर जो टीचर है मैंने डायरेक्ट में भी लिख दिया, इसी वजह से वो अब तक पहुंचा नहीं है घर में। देन फ्रैंक यंग टीचर रीचेस एंड फाइंड्स टैपलो स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग या सिटिंग देयर। तो फ्रैंक एक और टीचर हैं, नौजवान टीचर हैं, वो इसके घर में, हैरिस के घर में आ जाते घूमते घूमते, और देखते हैं कि हम टैपलो इंतजार कर रहे हैं। और वेरी सून ए कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस बिटवीन देम, और जल्दी ही उनमें बातचीत शुरू हो जाती है, और जो भी बातचीत होती है वो प्ले उसमें वन एक्ट प्ले उभर के आता है। तो अब करेक्टर्स के बारे में आपको बता दूं, इस वन एक्ट प्ले में करेक्टर्स कौन कौन होंगे, पात्र कौन कौन होंगे। एंड्रयू क्रॉकर हैरिस ये अध्यापक है जिसकी इंतजार वो प्रतीक्षा कर रहे हैं टेपलो। ये ही इज अ मिडिल एज ग्रीक एंड लैटिन टीचर, ग्रीक और लैटिन भाषा पढ़ाते हैं ये, तो एट ब्रिटिश पब्लिक स्कूल। ब्रिटिश पब्लिक स्कूल में ये घटनाक्रम, ये सारी जो वन एक्ट प्ले टेक ये घटित होता है। और मिली उसकी पत्नी, उनकी क्रॉकर हैरिस की पत्नी है, और ये एंड में आके मिली का जिक्र आता है वन एक्ट प्ले में। फ्रैंक हंटर एक नौजवान टीचर है जो अभी अभी टेपलो को मिला है। टेपलो को मतलब वो घूमता घूमता इनके घर में आया, एंड्रयू क्रॉकर हैरिस के, और वहाँ देखा कि टेपलो बैठा हुआ है, तो उससे बात शुरू कर देता है। टेपलो 16 साल का लड़का। तो इनके ये चरित्र हैं, इसमें पात्र हैं जिनके बीच में ये सारी कन्वर्सेशन होती है। हियर गोज द कन्वर्सेशन। अब जो कन्वर्सेशन है वो कैसे चलती है। फ्रैंक आस्क्स टेपलो हिज नेम एंड ही टेल्स द टीचर अबाउट हिज नेम एंड आल्सो दैट ही इज स्टिल इन लोअर 5th ग्रेड। फ्रैंक अध्यापक उससे पूछता है कि जैसे आम होता है अध्यापक कोई मिल जाता है बच्चे को, और आप उस टीचर को कहते हैं गुरुजी प्रणाम, या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ भी आप अभिनंदन करते हो, जैसे ग्रीट करते हो। तो टीचर को अगर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं नहीं याद रहता कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो पूछते हैं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटे। तो वही बात यहाँ हुई थी, उससे पूछते नाम पूछा, और फिर उसने क्लास के बारे में भी और बताया कि लोअर 5th ग्रेड। यहाँ क्लास के बारे में नहीं पूछा था, उसने बता दिया था कि लोअर 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। जैसे ग्रेड क्या है, क्लासेस, वहाँ पे फॉर्म भी बोलते हैं क्लास को, तो हमारे यहाँ क्लास बोलते हैं कक्षा जो होती है। जैसे लोअर KG होती है, लोअर 5th भी होती होगी वहाँ पे। ही फर्दर टेल्स फ्रैंक दैट ही कैन नॉट स्पेशलाइज अंटिल ही गेट्स हिज रिमूव। तो यहाँ स्पेशलाइज की क्या बात है कि विदेशों में क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे कहाँ से शुरू स्ट्रीम शुरू होती है, +1 से, 11th क्लास से, कि आप कॉमर्स लोगे, साइंस लोगे, या ह्यूमैनिटीज लोगे, आर्ट्स वगैरह। तो वहाँ पहले से ही ये चीज़ चल जाती है कि जिसमें इंटरेस्ट है बच्चे का उसमें स्पेशलाइज करना शुरू कर देता है। तो वो जिक्र कर रहे थे कि स्पेशलाइज कौन सी उसमें कर रहे हो, तो इसने कहा कि जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता, मैं अपग्रेड नहीं हो जाता नेक्स्ट क्लास में, तो मैं स्पेशलाइज के काबिल नहीं हूँ, अभी उसमें नहीं जा सकता। तो वो जिक्र यहाँ पर हुआ, रिमूव यहाँ पे रिजल्ट के बारे में ही कहा गया है। एट दिस फ्रैंक आस्क्स हिम इफ ही रियली डज नॉट नो अबाउट हिज रिजल्ट। तो फ्रैंक एकदम चौंक जाते हैं, जो अध्यापक हैं वो कहते हैं क्या आपको अपने रिजल्ट का बिल्कुल भी नहीं पता, जरा भी नहीं पता। और अब पेज 51 पे आ जाते हैं। टेपलो रिमार्क्स दैट हिज टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर। टेपलो कहता है कि मेरे अध्यापक अलग किस्म के हैं। वो ये नहीं है कि बच्चे पूछें कि सर नंबर कितने आए हैं, मार्क्स कितने आए हैं, रिजल्ट कैसा है मेरा, और वो
बहाव में आके बता दें हाँ तुम्हारे ये तुम फर्स्ट हो, तुम सेकंड हो, तुम्हारे तुम तो तुम्हारे नंबर नहीं है अच्छे, तुम तो फेल हो, ये नहीं है। वो कहते हैं बड़ा कंट्रोल है उनको अपने इमोशंस पे, वो भाव में नहीं आते भावनाओं की। तो कहते हैं कि ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर, सो ही हैज नॉट टोल्ड हिम अबाउट द रिजल्ट येट, कि रिजल्ट के बारे में नहीं बताया उन्होंने अभी। फ्रैंक आल्सो एड्स दैट अकॉर्डिंग टू ए रूल ओनली द हेडमास्टर शुड अनाउंस द रिजल्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेशन। फ्रैंक ये भी कहते हैं कि रूल तो ये है कि जब सेशन खत्म होता है, आखिरी दिन होता है सेशन का, तो तब बच्चों को बताया जाता है कि ये आपका परिणाम रहा। जैसे हमारे यहाँ आमतौर पे 31 मार्च को या 29th को, ये जो लास्ट वीक है उसमें घोषित कर देते हैं परिणाम, और सबके सामने असेंबली बुला के कर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को पहले ही बता दो आप एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप मार्क्स बताते चले जाओ, ऐसा नहीं है। तो ये उन्होंने बात करी। टैपलो कमेंट्स दैट नो वन बॉदर्स अबाउट दैट रूल इन द होल स्कूल एक्सेप्ट मिस्टर हैरिस। टैपलो कहते हैं जब वो रूल की बात करी कि हेडमास्टर ही डिक्लेयर करते हैं, वो कहते हैं कौन बॉदर करता है, कौन परवाह करता है सर रूल की, एक्सेप्ट मिस्टर हैरिस, मिस्टर हैरिस के सिवाय कौन प्रवाह करता है, सब बता देते हैं। मतलब उसका कहने का है कि इस रूल पे कौन टिकते हैं, सभी बता देते हैं अपने अपने फेवरेट बच्चों को कि क्या रिजल्ट है तुम्हारा। फ्रैंक इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, फ्रैंक ये मानने को तैयार नहीं है। इट एंड सेज दैट इट इज नॉट ए प्रॉपर क्राइटेरियन, और कहते हैं कि ये प्रॉपर क्राइटेरियन नहीं है, ये बेसिस जो आधार होता है क्राइटेरियन, रीजन भी कह सकते हैं कि उचित रीजन नहीं है। आफ्टर दैट किस चीज़ का रीजन नहीं है, उसका फ्रैंक का मतलब क्या हो सकता है कि क्या, या तो ये कि हेडमास्टर डिक्लेयर करे, ये तो बात उन्होंने ही कही है, तो प्रॉपर रीजन नहीं है कि बता देते हैं या नहीं बताते, बताना चाहिए। जब टैपलो ने ये काउंटर किया कि कौन बॉदर करता है रूल की, और यहाँ कहीं ये रीज़न की बात आई है, आप अपने अनुसार, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी वेग है टेक्स्ट, तो अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि किसकी बात की बारे में क्राइटेरियन कहा है। आफ्टर दैट ही आस्क्ड टैपलो अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स इफ द रिजल्ट इज फेवरेबल फॉर हिम, फिर बात बदल जाती है, विषय बदल जाता है। फ्रैंक टैपलो से पूछता है कि आपका रिजल्ट अगर फेवरेबल रहा, पक्ष में रहा तुम्हारे, तो आप फ्यूचर प्लान क्या है, आप भविष्य में क्या करने जा रहे हो, कौन सी स्ट्रीम लेने जा रहे हो, मतलब ये। टैपलो टेल्स हिम दैट ही वुड लाइक टू ऑप्ट फॉर साइंस। टैपलो कहता है कि मैं तो साइंस प्रीफर करूँगा, प्रीफर को मीन्स बेहतर समझूंगा कि साइंस लो। और फ्रैंक seems to be sad at the Taplow's choice. और जब क्योंकि साइंस को पढ़ाते हैं फ्रैंक, और एकदम ये ऐसा नहीं है, एकदम वो मतलब लगते हैं कि वो उन्हें अच्छा नहीं लगा, उदास से हो गए टैपलो की चॉइस पे कि ये साइंस लेगा। As he considers the letter means टैपलो a slacker, उसे वो slacker मानते हैं जो उसके अंदाजे लगा के बातचीत से कि ये टीचर के घर में आया, रिजल्ट का पता करने आया होगा, शायद कुछ फेवर मांगने आया होगा, वहाँ से अंदाजे लगा लेते हैं टीचर, ये अध्यापक फ्रैंक, मिस्टर फ्रैंक, कि ये तो लेजी सा लड़का है और ये मेहनती नहीं है। साइंस में ये मानते हैं कि मेहनती बच्चे ही कामयाब रहते हैं, तो ये तो स्लैकर है, लोफर टाइप का है, आइडलर है, ऐसे ही टाइम वेस्ट करता है, यहाँ बैठा टाइम वेस्ट कर रहा है। बट टैपलो टेल्स द यंग टीचर इन ए प्रोटेस्टिंग मैनर, जब उसने ये एक्सप्रेशन दिए कि अच्छे एक्सप्रेशन नहीं थे टीचर के चेहरे पे, वो समझ गए टैपलो, तो उसने थोड़ा प्रोटेस्ट करते विरोध करते हुए कहा, प्रोटेस्टिंग मैनर होता है विरोध करते हुए, दैट ही इज नॉट ए स्लैकर एंड ही इज, हाँ उसने मेंशन किया था स्लैकर, ही इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस, कि वो स्लैकर नहीं है, आइडलर नहीं है, ऐसे आवारा टाइप का लड़का नहीं है, वो
मेहनती है और दिलचस्पी रखता है साइंस में, इंटरेस्ट है उसका, एक्सट्रीमली अत्यधिक इंटरेस्ट है। इमीडिएटली आफ्टर दिस, इसके तुरंत बाद फ्रैंक सेज, फ्रैंक कहता है दैट ही हिमसेल्फ इज नॉट इंटरेस्टेड इन साइंस बट ही हैज टू टीच हिज सब्जेक्ट। अब यहाँ अध्यापक ही कह रहे हैं कि मेरा भी कोई, मेरी भी कोई दिलचस्पी नहीं है साइंस में और पढ़ानी पड़ती है, नौकरी का मामला है इसलिए पढ़ानी पड़ती है, पर दिलचस्पी नहीं है मेरी भी साइंस में। तो ये कौन कहते हैं? अध्यापक। तो यहाँ आप कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, और ये जनरलाइज तो नहीं कहूँगा मैं, आप कह सकते हो कि कुछ अध्यापक ऐसे हो सकते हैं जो बाय चांस आगे पेशे में, जिन्हें जाना चाहिए था पुलिस में आगे टीचिंग, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ ना बन पाए टीचर बन जाए, इजी एंट्री मान के कि चलो टीचिंग, जब कुछ नहीं जो और बड़ी पोस्ट नहीं मिली, टीचर टीचर की पोस्ट को छोटा मानते हैं मकसद लोग, जबकि सबसे महत्वपूर्ण जॉब यही होता है, बच्चों के भविष्य को शेप देना होता है। अगर उसमें ऐसे टीचर आएंगे जो इसको कैजुअल मैनर में लेते हैं अध्यापन को, तो वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। तो ये तो बहुत ही जिम्मेवारी का कार्य है और एक नोबल प्रोफेशन माना गया है। At this, Taplow remarks that science is more exciting than Aeschylus. Aeschylus, ये उसका translation है जो Agamemnon, Agamemnon जो book है tragedy, Greek tragedy, the book he was carrying in his hand, that science is more exciting than Aeschylus. Aeschylus भी book है, ये drama है, play है, तो उससे एक्साइटिंग तो साइंस है, मतलब उसको बोरिंग लगती है टैप्लो को, ये लिटरेचर जो है बोरिंग लगता है। ये एग्मनन में करैक्टर है एस्कलस, तो ये बोरिंग लगती है। फ्रैंक आस्क्स टैप्लो इफ ही वाज सीरियस इन कॉलिंग द बुक मार्क, तो टैप्लो से पूछता है अध्यापक कि क्या आप इस बुक को डर्ट मानते हो, यूजलेस मानते हो, बेकार मानते हो एस्कलस को? तो वो कहते हैं टैप्लो रिप्लाइज दैट ही डज नॉट थिंक दैट द प्ले इज मक, कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं प्ले को बेकार नहीं मानता। ही आल्सो एड्स दैट ही हैज ए गुड स्टोरी अबाउट ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड, कि इसमें कहानी बहुत अच्छी है, पत्नी अपने हस्बैंड को मारती है, कत्ल करती है, उसका मर्डर करती है एंड ऑल दैट, बस ये मेन थीम है इसका। टैप्लो एक्सप्रेसेस हिज डिसलाइक फॉर द वे इट इज टॉट टू द स्टूडेंट्स। टैप्लो कहानी से नफरत नहीं करता, बुक से नफरत नहीं करता, वो कहता है जिस तरीके से पढ़ाई जाती है, जो ढंग है पढ़ाने का इस बुक को अध्यापक के द्वारा, जो तरीका है वो पसंद नहीं है। और दूसरी बात है कि इसमें ग्रीक वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा, ग्रीक वर्ड्स उसको समझ नहीं आते, तो ये रीजन उसने दिए। शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के बनते हैं। आफ्टर दिस फ्रैंक आस्क टैप्लो इफ ही हैज बीन कैप्टन, फिर वो टैप्लो से पूछता है अच्छा ये बताओ तुम यहाँ हो क्यों, यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पनिशमेंट मिली स्टे बैक, स्टे करने का, स्टे करना होता है छुट्टी के बाद सजा मिल जाना कि तुम 2 घंटे स्टे करोगे स्कूल में, आज घर नहीं जाओगे, पनिशमेंट के तौर पे, फिजिकल पनिशमेंट नहीं होती वहाँ, इस तरह की करेक्टिव मेजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, होमवर्क ज़्यादा दे दिया कि इस बात को 100 बार लिखो, 50 बार लिखो इस पेज को, या और 100 तरीके वो इन्वेंट करते हैं। तो उसे स्टे करने के लिए 2 घंटे रुकोगे आज, काम दिया जाएगा तुम्हें कोई। टैप्लो टेल्स हिम दैट ही हैज बीन असाइंड एक्स्ट्रा वर्क बाय हिज टीचर क्रॉकर हैरिस। टैप्लो कहता है कि क्रोकर हैरिस टीचर ने उसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क दिया है, और कारण भी बताता है टैप्लो बाद में कि एक दिन क्लास मिस हो गई थी उसे बीमारी की वजह से, तो ये पनिशमेंट ही है किसम से, तो इसको पनिशमेंट नहीं मानता, कहता है एक्स्ट्रा वर्क है, हेल्प कर रहा हूँ मैं अपने अध्यापक की, हेल्प करूँगा, वो पनिशमेंट नहीं इसको मान रहा।
Frank expresses surprise to know that a teacher has given extra work on the last working day of school. और फ्रैंक एकदम हैरान होता है कि आखिरी दिन है, वर्किंग डे, लास्ट वर्किंग डे है सेशन का, उसके बाद हॉलीडे आती होंगी, तो हॉलीडेज आती होंगी थोड़ी, और उसके बाद सेशन दोबारा शुरू होगा, तो आखिरी दिन तो सारे बच्चों को ऐसी पनिशमेंट नहीं मिलती। तो कमाल है, ये टीचर टीचर ने तुम्हें आखिरी दिन भी एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, मतलब उसको प्रोव कर रहा है कि वो उसकी आलोचना करे अध्यापक की। Page 52, Taplow confirms it and feels sad to think that he might have been playing golf at that time. थोड़ा उसे लगा कि मुझे पनिशमेंट हो रही है, कहता हाँ सर इस वक्त तो मैं गोल्फ खेल रहा होता, बच्चों में हो जाता है, तो उसे सैड महसूस करवा दिया अध्यापक ने। Taplow कन्फर्म करता है, पुष्टि करता है उस चीज़ की कि मैं तो गोल्फ खेल रहा होता इस वक्त। He also explains to Frank that Mr. Crocker-Harris didn't call him to work as punishment. और ये भी उसने explain किया कि Mr. Crocker-Harris didn't call him to work, कि उन्हें Taplow को Mr. Harris ने punishment के लिए नहीं बुलाया, बल्कि extra work करने के बुलाया। But he will help his teacher, वो अपने teacher को help करेगा कुछ काम करने में, क्योंकि as he was leaving the school the next day due to health problem की वजह से उनके अध्यापक क्रॉकर हैरिस स्कूल छोड़ रहे हैं, इसलिए आज मैं हेल्प करने आया हूँ उनकी, उन्होंने इसलिए बुलाया मुझे, तो वो पनिशमेंट नहीं मान रहे इस चीज़ को। तो ये पहली वीडियो यहाँ हम विराम देते हैं और सेकंड वीडियो आपको तुरंत ही उसकी तैयारी करते हैं।